Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello, welcome to the Shivam Convent online classes. I am Pramod Mishra from Shivam Convent Shuklagand. Today I am explaining the chapter 1, A Changing Time of class 8A. The topic is Renaissance. The term Renaissance means rebirth or revival. Renaissance means होता है पुनर्जन्म या पुनरुद्धार. This movement started in Italy around 15th century CE and soon spread to the whole of Europe. ये movement इटली में 15th century CE के आसपास शुरू हुआ और पूरे यूरोप में जल्दी ही फैल गया. It was characterized by a reawakening of interest in the study of ancient classic. Ancient classic की study में reawakening की interest के द्वारा characterize किया गया. Its impact was फर्स्ट फेल्ट ऑन लिटरेचर. इसका प्रभाव सबसे पहले लिटरेचर पर महसूस किया गया. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ बिकेम द फोकस ऑफ अ नंबर ऑफ डिसिप्लिन्स. इस मूवमेंट में ह्यूमन का जो पृथ्वी पर अस्तित्व था वो डिसिप्लिन के नंबर में फोकस किया बन गया. नॉलेज वाज परस्यूड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन अफेयर्स एंड फाइंड सोल्यूशन टू ह्यूमन प्रॉब्लम. ज्ञान को परस्यू किया गया ह्यूमन अफेयर्स को समझने में एंड ह्यूमन प्रॉब्लम्स को के सोल्यूशन को पाने में. दिस मूवमेंट दिस न्यू एटीट्यूड वाज कॉल्ड ह्यूमैनिज्म. इस नए एटीट्यूड को ह्यूमैनिज्म कहा गया. ऑथर्स लाइक शेक्सपियर एंड मिल्टन रोट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. लेखक जैसे शेक्सपियर और मिल्टन जीवन के विभिन्न पहलुओं के विषय में लिखा. स्कॉलर्स लाइक डेंटी एंड सर थॉमस मोर रोट अबाउट द सोसाइटी. स्कॉलर्स जैसे डेंटी और सर थॉमस ने सोसाइटी के विषय में बहुत सारा लिखा. अदर रिनाइसेंस स्कॉलर्स लाइक फ्रांसिस्को पेट्रार्च एंड गियोवानी बोकासियो बोथ इटालियंस रोट इन दियर नेशनल लैंग्वेज दैट टू ऑन सेकुलर थीम्स. दूसरे रिनाइसेंस स्कॉलर जैसे फ्रांसिस्को पेट्रार्च और गोवानी बोकासियो दोनों इटालियंस ने इसने अपनी नेशनल लैंग्वेज में लिखा और उसको सेकुलर थीम्स दिया. दिस वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर टाइम्स. ये अर्लियर टाइम्स से डिफरेंट था व्हेन रिलीजियस थीम्स वर द ओनली इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ स्टडी फॉर ऑल स्कॉलर्स. जब रिलीजियस थीम्स सारे स्कॉलर्स की सारे सब्जेक्ट की स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट थे. रिनाइसेंस आल्सो गेव राइज टू अ न्यू आर्ट फॉर्म. रिनाइसेंस ने न्यू आर्ट फॉर्म्स को नया रूप दिया. इंस्पायर्ड बाय द स्पिरिट ऑफ ह्यूमन इन द आर्टिस्ट प्रोड्यूस पेंटिंग्स विच वर नेचुरल एंड रियलिस्टिक. रिनाइसेंस ने इंस्पायर ह्यूमैनिज्म के स्पिरिट से प्रभावित होकर के आर्टिस्ट ने पेंटिंग्स बनाया जो नेचुरलिस्टिक थी और असली रूप में थी. दे स्टडीड द ह्यूमन फॉर्म एलॉन्ग विद इट्स एक्सप्रेशंस एंड मूवमेंट. उन्होंने ह्यूमन फॉर्म की स्टडी किया अपने एक्सप्रेशंस और मूवमेंट्स के द्वारा. दे सॉ ग्रेस एंड परफेक्शन इन इट. उन्होंने इसमें ग्रेस और परफेक्शन को देखा. लियोनार्डो डाविंसी माइकलएंजेलो एंड रैफेल वर द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ऑफ दिस पीरियड. लियोनार्डो डाविंसी माइकलएंजेलो और रैफेल इस पीरियड के ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट थे. लियोनार्डो वाज अ जीनियस. लियोनार्डो एक विद्वान थे. ही वाज अ पेंटर साइंटिस्ट फिलोसोफर एंड पोएट हु इज रिगार्डेड एज द सिंबल ऑफ रिनाइसेंस व्हेन द ह्यूमन फॉर्म एंड सेकुलर थीम बिकेम द फोकस ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स. वो एक पेंटर थे साइंटिस्ट थे फिलासफर थे और पोएट थे जिनको रिनाइसेंस के सिंबल के रूप में रिगार्ड किया गया. व्हेन द ह्यूमन फॉर्म जब मनुष्य का मानव रूप और सेकुलर थीम्स पेंटिंग और स्कल्पचर की फोकस बन गए थे. द लास्ट सपर एंड मोनालिसा आर हिज मास्टरपीसेज. लास्ट सपर और मोनालिसा उनके मास्टरपीसेज हैं. स्कल्पचर्स वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय द ग्रेस ऑफ ह्यूमन फॉर्म. स्कल्पचर्स को ह्यूमन फॉर्म्स के ग्रेस के द्वारा इंस्पायर किया गया. ग्रीक एंड रोमन आर्ट ग्रेटली इन्फ्लुएंस द स्कल्पचर्स. ग्रीक और रोमन आर्ट ने स्कल्पचर्स को बहुत ज्यादा प्रभावित किया. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट फ्री स्टैंडिंग फिगर्स वर मेड इन स्कल्पचर. ये पहला समय था जब स्कल्पचर्स में फ्री स्टैंडिंग फिगर्स को बनाया गया. द रिनाइसेंस मूवमेंट आल्सो रीअवेकेंड द स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी व्हिच मोटिवेटेड मेन to accept something only after experimentation and observation. रिनाइसेंस मूवमेंट को साइंटिफिक इंक्वायरी की स्पिरिट के द्वारा रिवेकनिक किया गया जिसको मेन लोगों ने मोटिवेट किया
समथिंग को, कुछ चीजों को एक्सेप्ट करके एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के बाद में, दिस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स को से नई डिस्कवरी हुई, व्हिच ऑफन चैलेंज जिस एस्टेब्लिश चर्च बिलीव, जिसने चर्च बिलीव के एस्टेब्लिश करने में चैलेंज किया। आफ्टर दिस आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।